गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हमारा आज का प्रश्न है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमको क्या निकालना है, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। जो क्या दे रखा है हमको, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया एबीसीडी। अब क्या दे रखा है, इसकी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है दो पास पास की साइड, ठीक है। 50 सेंटीमीटर दे रखी है और कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका डायगोनल कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर का दे रखा है। ये मेरा क्या होगा, डायगोनल कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का हो गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे हमको बेस तो पता है, लेकिन हम यहाँ पे हाइट कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन हम मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है ना, ध्यान देना, एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, इसका एरिया निकाल दूं और इसका मैं डबल कर दूं तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और हीरोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, s into s minus a into s minus b into s minus c होता है, ठीक है। अब देखो इसकी एबीसी मान लो, किसी को भी a, किसी को भी b और किसी को भी c मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a मान लिया मैंने 40 सेंटीमीटर, b 30 सेंटीमीटर और c कितना, 50 सेंटीमीटर। सभी पेरिमीटर ऐसे निकाल लेंगे, a plus b plus c by 2 कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने फॉर्मूले में क्या कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। s की जगह पर 60 रख दिया, a की जगह पर मैंने 40 रख दिया, b की जगह पर मैंने कितना रख दिया, 30 रख दिया, और सी लाइव मैंने रख दिया 50 करके, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 60 ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ। 60 को मैंने तोड़ लिया 30 इंटू 2 में, ठीक है, 20 को मैंने तोड़ लिया 2 इंटू 10 में, और 30 को मैंने 30 ऐसा का ऐसा और 10 का 10 ऐसा का ऐसा। अब अंडर रूट से जब भी संख्याएं बाहर आती है तो दो दो के जोड़े में से एक एक आती है, मतलब दो का जोड़ा बनता है और उसमें से एक बाहर आ जाती है, ठीक है। अब ये देखो 30 और ये 30, दो का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से क्या है, 30 बाहर आ जाएगा, और ये दो 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 है हमें, हमारे पास एक जोड़ा बन गया, तो इनमें से एक दो बाहर आ जाएगा। इसी तरह 10 10 दो है हमारे पास, तो एक बाहर आ जाएगा इसमें से, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा हमारा, ये पैरेललोग्राम का हमारा ये एरिया हो जाएगा, ठीक है।